जहां देश भर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए और जागरूकता के माध्यम से तंबाकू के दुष्परिणामों से बचाव का संदेश दिया गया, वहीं क्षेत्रीय अस्पताल मंडी की जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुराधा शर्मा ने बातचीत के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि हर परिवार में स्त्री का स्वस्थ रहना परिवार की संतति को स्वस्थ रखता है। अतः स्त्री के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए परिवार में कोई भी सदस्य स्त्री के गर्भाधारण काल के दौरान तंबाकू उत्पादों का सेवन ना करे, जो कि स्त्री के साथ साथ उसकी कोख में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अगर कोई महिला आधुनिकता का दिखावा करते हुए तंबाकू या शराब का सेवन करती है, उसको इस बात को समझ लेना चाहिए कि वह अपने साथ साथ अपनी कोख में पल रहे बच्चे की जान के साथ भी खेल रही है। उन्होंने आह्वान किया कि इलाज से परहेज बेहतर होता है, वरना बीमारी मूर्खता की परिचायक होती है। इसलिए हम सबको तंबाकू रहित स्वस्थ फेफड़े रखने चाहिए। नो टोबैको डे है, सारी में जो है आज के दिन में मनाया जा रहा है, जिसमें हम तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में सारे लोगों को, पब्लिक को, बच्चों को, एडल्ट्स को, सबको उस विषय में अवगत कराना चाहते हैं कि तंबाकू किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से जब लिया जाता है तो उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। आपने मुझे कहा कि मैं क्योंकि मेटरनल हेल्थ देखती हूँ, तो एक गर्भवती महिला या महिला के स्वास्थ्य पर तंबाकू का क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, तो इस विषय में मैं सबको जो भी इस क्लिप को देखेंगे ये बताना चाहती हूँ कि तंबाकू का सेवन, चाहे वो डायरेक्टली औरत करती है, चाहे वो पैसिव स्मोकिंग, मतलब घर में कोई और अगर तंबाकू का सेवन करता है सिगरेट के रूप में, तो उसके धुएं से जो उस महिला में, चाहे वो गर्भवती है, चाहे और है, चाहे वो छोटा बच्चा है, उसके अंदर जब वो धुआं जाता है तो उतना ही नुकसान करता है जितना कि एक उस शख्स पे उसका दुष्प्रभाव होता है जो कि सीधे सब तंबाकू का सेवन कर रहा हो। अगर एक गर्भवती महिला को तंबाकू का एक्सपोजर मिलता है या स्मोकिंग का एक्सपोजर मिलता है, तो उसका जो अजन्मा बच्चा होता है उसके कमज़ोर होने की आशंका होती है, जिसे हम इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन कहते हैं। जैसे खाने की कमी से, खून की कमी से, या किसी क्रॉनिक बीमारी से, लंबे समय से चलने वाली बीमारी से, किसी भी गर्भवती महिला के बच्चे के कमज़ोर होने की आशंका होती है, उसी तरह तंबाकू का सेवन अगर घर में कोई भी करता है तो अनजन्मे बच्चे पे उसका दुष्प्रभाव होता है। इसके अलावा महिलाओं में भी जो कैंसर है, मुँह का कैंसर, जो कि तंबाकू को किसी भी फॉर्म में चबाने से होता है, उसके इंसिडेंसेस मिलते हैं। महिलाएं भी इस चीज़ के लिए उतना ही उनको भी खतरा है जितना भी किसी पुरुष में होगा। तो मेरी सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ना तो महिलाएं खुद स्मोकिंग करें, स्पेशली उस वक्त जब वो प्रेगनेंसी है उनको, और ना ही उनके घर में रहने वाले बाकी सदस्य जो एडल्ट्स हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे पुरुष हैं, हस्बैंड्स हैं, ब्रदर्स हैं, पिता हैं, उन सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जब आपके परिवार में छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं होती हैं, तो कृपा करके ये तंबाकू का सेवन, ये स्मोकिंग जो है वो कतई अपने घर में ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।